नमो नमः महामहोदया। नमो नमः आचार्य महोदय। एक मिनट, जी आपको स्क्रीन दिखेगी तो बताइए। मैंने कल वैक्सीन ली। तो सब ठीक है? हाँ, आपने नहीं लिया अभी तक? नहीं, अभी मैं बुकिंग तो बीच में एक दो बार ट्राई किया था, पर तब तो 45+ वाले ही चल रहा था। अभी बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहाँ मैंने लिया ना वहाँ पे तो चॉइस भी थी, जो चाहे ले लो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। अच्छा, 200 वाल्स, डोसेस पर डे, तो काफी स्लॉट्स थे। और क्यों, मतलब सिर्फ उनको मोबाइल दिखाने तक था। कुछ लोग ऐसे ही आ रहे थे, वॉकिंग भी थे। मैंने रात को ऑनलाइन कर लिया था पेमेंट, बुकिंग सारा, तो बस 1 मिनट भी नहीं लगा होगा लेने में। तो बस क्यू में जितनी देर लगी उतनी देर लगी, और फिर 10 मिनट बिठाया, आ गई। वही वेट कर रही थी, कुछ आता है सिम्टम आता है तो। लेकिन मम्मी पापा ने मेरे कोवैक्सीन ही दिया था। पापा को पहले ये कुछ नहीं हुआ था, सेकेंड डोज में मतलब हुआ था रिएक्शन। मम्मी को दोनों बार हुआ था, सेकेंड टाइम ज्यादा सिवियर हुआ था। तो मैं वही सुन रही हूँ काफी लोगों का कि सेकेंड डोज में ये है, मतलब संभावना अधिक है। और कोविशील्ड मैंने सुना कि पहले डोज में भी काफी रिएक्ट करता है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, टच वुड। एंड आई वाज मोर वरीड कि कल योग दिवस कोवैक्सीन लिया है, ना अभी? मैंने कोवैक्सीन दिया। स्वदेशी हाँ वही, क्योंकि इवन कोविशील्ड भी पहले ऐसा लगा जैसे कि वो स्वदेशी है, और बना तो नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ही रहा है, एप्रिल पर वो बाहर की है, फाइजर। नहीं तो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ वही, तो ऐसा भी तो कई जगहों पे ऐसा धोखा भी तो है ना, कि मतलब आपको बताने के लिए ऐसा लगेगा कि देसी है, पर फिर और थोड़ा अंदर जाके पता लगाओ तो विदेशी निकलता है। बट ये सच है कि कोवैक्सीन को आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल अलाउड नहीं है, कोविशील्ड को अलाउड है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक 23rd को भारत बायोटेक का WHO के साथ प्रेजेंटेशन भी है। मैंने पढ़ा था वो न्यूज़। होने दो, ये सब चीजें सब पॉलिटिकल हैं, डिस्करेज करने के हाँ, अन्यथा लिए भी इंटरनेशनल तो मिल कम्युनिटी ही का रही हो है, सकता है ना, क्योंकि क्योंकि मिलनी ये शुद्ध नेचुरल तो हमारी है। करेंट। क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोली मौजी? मैंने बोला वैक्सीन ही है, तो वैक्सीन की तरह सबको ऑन पार ट्रीट करना चाहिए ना। चाहिए वही तो अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो तो बहुत सारे देश मिलके बनाते हैं, और इस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉसिबल भी है, कि क्योंकि ये हमारी पूरी तरह से हमारी क्रिएटेड वैक्सीन है। इवन कोरोनिल के लिए भी तो यही हुआ था ना, शुरू शुरू में पतंजलि की बोल रहे थे कि कुछ टेस्टेड ही नहीं है और आयुर्वेदिक है और क्या पता क्या करेगी, और ये वो। अब तो 150 से ज्यादा देश उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से। अच्छा, तो जैसे कोवैक्सीन शुद्धतः देसी है, तो अब इंटरनेशनल जो भी ये कंट्रोलर्स जो होते हैं ना, जैसे US और WHO और ये सब, चाइना, जिनका UN में बात चलती है, उन लोग ने मान लो संभावना बोल लिया कि जो भी हमारी जैसे जो कोविशील्ड है उस वो यदि लगी है तो हम ट्रेवल अलाउ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोविशील्ड US की है, भारत की नहीं है।
तो भारत की लगाएंगे हम, तो उसका अप्रूवल आना चाहिए, इवेंचुअली आना चाहिए। नहीं आएगा तो चार्ज ठीक है, हमको नहीं ट्रैवल करना, बक जाओ तुम रहो अपने देश में खुश, हमको तुम्हारे देश की कोई आवश्यकता हैदराबाद नहीं। में ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, एक वो है भावना कहीं ना कहीं कि लोकल हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो उस हिसाब से भी शायद सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं कोवैक्सीन के लिए, क्योंकि हमारा जो दूसरा अपार्टमेंट है माधापुर में, वहाँ पे यही हॉस्पिटल है, वहाँ पे सभी गेटेड कम्युनिटीज हर जगह ये लोग ड्राइव्स कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, तो हर जगह मतलब कोवैक्सीन ही दिया जा रहा है बहुत जगह पे, और जहाँ पे मतलब उनको कुछ कम का देना है, जैसे वो समाज सेवा के स्वरूप में दे रहे हैं, मेड्स है, ड्राइवर्स है, वॉचमैन्स है, तो वहाँ पे कोविशील्ड दी जा रही है फिर, अच्छा, कोवैक्सीन महंगी है वैक्सीन क्या ज्यादा? में भी इकोनॉमिक लेवल अच्छा नहीं, लेकिन अभी तो 2 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट्स आए ना कि अब सारी वैक्सीनेशन फ्री होंगे, तो अब ये चार्ज का कहाँ से कंसर्न है? 21 तारीख के बाद, कल से, कल के बाद या कल से, कल से? अच्छा ठीक है, ये तारीख का मुझे नहीं पता था कि कोई एक पर तारीख से लेकिन फ्री होंगे। वो फिर भी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो मतलब वो कैपिंग रहेगी, वो अगर टाइप बाय करते हैं कंपनी से तो वो उनका ही रेट रहेगा, और फ्री मतलब कहाँ, जो हेल्थ सेंटर रहते हैं वहां पर फ्री रहती है, बाकी कॉस्ट विल कम डाउन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैंने कुछ 1400 कुछ पे किया था, कॉस्ट कम हो जाएगा वो सेकेंड डोज का, इतना ही एम इज सेफ्टी की, ऐसे कुछ कम होती है, भीड़ नहीं होती है, जो हेल्थ सेंटर्स वगैरह में भीड़ होती है, भीड़ तो काफी पकड़ी थी, मैं भी गई थी तो क्यू में ही खड़ी थी, और कोई लोग दूर दूर तो खड़े होते नहीं, फिर तो मेरे मतलब लेने के बाद जब मैं वेट कर रही थी तो फिर अभिलाष जी आए, नमो नमः अभिलाष महोदय, नमो नमः अभिलाष महोदय। अभिलाष जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। नमो नमो नमः महोदय। नमः। अद्य नवीन द्रोणपल्ली आचार्य न आगतवान वा? नवीन महोदय आगमिष्यति। साधारणतः सः 10 निमिष पश्चात आगच्छति। आगच्छति, तो रिकॉर्डिंग चलचित्र संरक्षण आरंभ अस्ति। अस्तु महामहोदया, प्रथम वयम् औमुच्चारण कुर्मः, पश्चात् पुनरावलोकन कुर्मः। तर्हि तो अभी आंखें बंद करते हैं पहले।
ठीक है, अभी एक मिनट हो चुका है, एक निमिष भवति। इदानीं पुनरावलोकन कुर्मः, तत्पश्चात् संभाषण कुर्म अद्य संपूर्ण संभाषण कुर्म। नवीन पृष्ठ न दर्शयामि, संपूर्ण संभाषण कुर्म। तर्हि तो शीघ्रं शीघ्रं अहं तीर निशानं बाण निशानं करोमि। एवं अभिलाष महोदय अथवा महामहोदय नाम वदामि। सो एकवचनम् एवं बहुवचनम्, एकवचनम् बहुवचनम् च वदतु। अस्तु वा, ज्ञातं वा? महोदय पुनः वदतु, किं किं वयं करवाणि? वयं किं कुर्मः, अहं तीरनिशानम् अथवा बाणनिशानं करोमि। यत्र अहं बाणनिशानं बाणचिह्नं करोमि तत्र एकवचनं बहुवचनं च वदतु। आमाम्। अस्तु, अभिलाष महोदय। एकवचनं न, अहम ना आगत, अहम ना अवगतवान आचार्य। ऐसा कर, जैसे मैंने ये तीर बनाया ना, आपको क्या बोलना है? अश्वः अश्वाः। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है।
तो उसी का एक वचन भी बोलना है, उसी का बहुवचन भी साथ में बोलना है। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए। अश्वः अश्वाः। अस्तु महामहोदय। बालकः बालकः। उत्तमम्। अभिलाष महोदय। छात्रः छात्राः। महामहोदय। वृक्षाः। उत्तमम्। अभिलाष महोदय। नायकः नायकाः। हमको अपना उच्चारण हमेशा शुद्ध करने का अभ्यास करते रहना है, ताकि हम अह और आह दोनों को बिल्कुल अलग अलग अच्छे से हमको भी सुनाई आए और सामने वाले को भी सुनाई आए। तो इसी के लिए हम ये बार बार करते रहते हैं, ताकि नायकः नायकाः, बालकः बालकाः, अश्वः अश्वाः, ये बिल्कुल अलग अलग समझ में आता रहे हमको। मैं चलिए महामहोदया। गज गजा। अभिलाष महोदय। दीपः दीपाः। महामहोदय। हस्तः हस्ताः। उत्तमम्। एतानि सर्वे पुल्लिंग पदाः सन्ति। अभिलाष महोदय। रामकृष्णः रामकृष्णाः। महामहोदय। ईश्वरः ईश्वराः। अभिलाष महोदय। गुरुः गुरवः। उत्तमम्। एतत् नवीन प्रकार प्रकारेण प्रदः अस्ति, गुरुः गुरवः। क्यों ऐसे चेंज हुआ? वो है ना, उकारांत है ये गुरु। अच्छा, बाकी सब अकारांत थे। विष्णु जैसे है, ओ विष्णु। हाँ आएगा, वो भी आएगा। हाँ, और ये नया है, ये भी नया है। चलिए आप बोलिए। हरि हरियः। तो थोड़ा अंतर है, जिसमें उकार अंत है उसमें वह लगता है। तो एक संधि यदि हम मन में बोल के भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि उ धन अ, उ और अ को यदि आप जोड़ें तो व की ध्वनि बनती है, और इ और अ की ध्वनि जोड़ें तो य की ध्वनि बनती है। और यही अंतर है, गुरु वह में वह बन गया, और हरिय ई के साथ अ किया तो ये हरियह हो गया। उ और अ वो नहीं बन रहा, बट ई और अ य समझ में आया मुझे। उ और अ वो जल्दी बोल के देखिए। उ उ जल्दी से बोलिए। उ तो उसमें उ की ध्वनि आ रही है ना, व की कहां आ रही है? जल्दी से बोलिए। उ व बनते ही वैसा है। वो आता सर, गुण संधि है ना, गुण संधि। बाद में हम संधियां बाद में अच्छे से भी सीखेंगे, पर ये मैं सिर्फ ऐसे ध्यान दिलाने के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सही में मैं बोल रहा हूँ कि उच्चारण मैं बोल रहा हूँ ये गुण संधि के नीचे आते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि गुण संधि। अच्छा, मुझे नाम तो अभी ध्यान नहीं है, पर संधियां जो है हम सिर्फ उन अक्षरों को साथ में बोल के देखें तो वो जो ध्वनि है वो हमको ध्यान में आ जाती है। चलिए मोहन जी फिर से। हरि हरि हरियः। अभिलाष महोदय। मुनिः मुन्यः। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हरियः में भी र आधा हो गया है, मुन्यः में भी न भी आधा हो गया है, और वो बोलने के लिए भी सही है, क्योंकि जैसे ही आप ई और अ को हम जोड़ते हैं तो य तो बनता है, लेकिन हरि यह बोलना जो है ई की मात्रा तो चली गई क्योंकि वो आगे य में जुड़ गई है, पर हरियह बोलने के लिए
बीच का जो अक्षर है उसको भी आधा कर देते हैं तो बोलने में आसान भी हो जाता है। वैसे ही मुनि मुनियह मुनिह मुनियह। चलिए अभिलाष महोदय। श्रीपति ही श्रीपत्यः। मोहा महोदय। अजाह। तो ये सादा साधारण अकारांत है पहले की तरह। अभिलाष महोदय। विष्णुः विष्णवः। मोहा महोदय। देव देव देवाः। मोहा महोदय। भानुः भानवः। अभिलाष महोदय। गणेशः गणेशाः। अभिलाष महोदय। शंभुः शंभवः। तो ये भी ध्यान दिया कि उ की मात्रा भी हम गायब कर देते हैं क्योंकि वही व में बदल जाती है शंभवः, इसलिए वो ऊ की मात्रा भी गायब हो गई अंत में जो ऊ की मात्रा है। मोहा महोदय। मुकुंदः मुकुंदाः। उत्तमम्। अभिलाष महोदय वाक्य वदतु। सा का? सा चुरिका। मोहा महोदय। ताह काह? ताह छुरिकाः। अभिलाष महोदय। सा माला। मोहा महोदय। ताह मालाः। तो अब ये जो माला हा, जो हम हा पे भी आ की मात्रा लगाते हैं ना, उसको कम करना होगा क्योंकि विसर्ग पे मात्रा नहीं है। तो ताह, जैसे आपने ताह बोला वैसे ही मालाह, तो ह जो है ह पे ही खत्म हो जाएगा, हा आ की मात्रा के साथ नहीं होगा। मालाह मालाह। हाँ मतलब हाँ मतलब सर हा को आधा ही करना है। हाँ, जब भी विसर्ग को आप उच्चारण कर रहे हैं ना, तो विसर्ग मतलब ह, ह है वो, हा नहीं है। ठीक है, तो छुरिकाह ताह मालाह। तो माला का जो आ की मात्रा है वो तो है, लेकिन विसर्ग जैसे ही बोला ह तो वहां पे ह पे ही रुक जाना है, उसको हा नहीं करना, मालाहा नहीं करना है। समझा? चलिए आगे अपने आप उसका अभ्यास हो जाएगा। चलिए अभिलाष महोदय। सा कुंचिका। अभिलाष महोदय। ता कुंचिका। मोहा महोदय। ता वार्ता पत्रिका। और उसी का दूसरा शब्द भी है, वार्ता पत्रिका भी है, वो स्त्रीलिंग है, या फिर वार्ता पत्रम, तो वो नपुंसकलिंग है, दोनों चलता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अभिलाष महोदय। ताह वार्ता पत्रिका। उत्तम। तो अभी इसको आप पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको मूलतः करना क्या है कि ये चित्र को देख के वो क्या है वो सोचना है। तो अब हमने पहले से लिखा हुआ है वो अलग बात है, पर चित्र को देख के वही चीज आपको ध्यान में आ रही है कि नहीं, ये हमको मन में लाना है। ठीक है, तो जैसे ये चित्र दिखा तो ताह मालाह हम तुरंत तुरंत बोल जो सकते। वार्ता पत्रम है वो बहुवचन में वृत्त पत्रम भी हो जाता है, वृत्त पत्रम भी है, वो भी एक अलग शब्द है। वार्ता और वृत्त दोनों शब्द हैं अलग अलग, पर वही बहुवचन में हो गया वैसा नहीं। तत्वार्ता पत्रम तानी वार्ता पत्राणी,
तो ये इसी का बहुवचन। फिर तत् वृत्त पत्रम तानी वृत्त पत्राणी, चलिए अभिलाष महोदय। सा लेखनी, उत्तमम महामहोदय। ताह लेखन्य, उत्तमम अभिलाष महोदय। कहाँ भाग गए अभिलाष महोदय? महामहोदय सा कर्तरी, कर्तरी ताह कर्तर्य। तो यहाँ पे वो वाला उपयोग यहाँ पे भी आ गया, जो लेखनी और उसी का बहुवचन ई की जगह हम वो यह जो लगाते हैं, तो न आधा हो गया और यह लग गया लेखन्यः, जैसे हरियः और मुन्यः हुआ था पुल्लिंग के समय, वैसे ये स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन ई को बहुवचन में, ई का अंत को बहुवचन में करने का नियम वही का वही है यहाँ पे भी। वैसे कर्तरी में भी हुआ, कर्तरी कर्तर्यः। अभिलाष जी म्यूट पे चले गए, शायद कोई कॉल वॉल आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमने एक बार देखा अभी पिछले सत्र में कि अर्जुन बाण क्षिपति एक उपयोग है, ये मैंने देखा है। तो एक बार आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि क्षिपति हम बाण के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो हम सिर्फ एक चाहिए जैसा सोच रहे थे कि क्योंकि बाण को हम फेंकते नहीं है, पर ये उपयोग में देखा मैंने, अर्जुन बाण क्षिपति मारति साधति सब। शायद से बना हुआ है शब्द, कौन सा क्षिपति शब्द क्षय शब्द से बना है, आपको ऐसे लग रहा है? मुझे से लगा क्षय, क्षिपति तो फेंकना होता है, बालक कंदुकम क्षिपति, लेकिन क्षय जो है वो तो किसी चीज का समाप्त होना या कम होना घटना वो होता है, तो थोड़े अलग अलग शब्द हैं। क्षिपति का मूल देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से क्षय तो नहीं है। क्षिप क्या होता है? ये संपदानंद जी का प्रश्न है, तो ये आप वहां से पता लगा के हमको बताइए। ठीक है, और फोन जो है हमारा, कोई भी फोन उसको हम दूरवाणी कहते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। जंगम दूरवाणी, ये नवीन जी ने या शायद अभिलाष जी ने, दोनों में से किसी ने पिछली बार बताया था कि स्मार्टफोन के लिए जंगम, जंगम का क्या तात्पर्य? स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट है वो। हाँ, तो इसलिए वो जंगम दूरवाणी। इसको यदि मोबाइल फोन या जो मोबाइल फोन वाला, नमो नमः, नमो नमः, आपका क्या हुआ, अचानक से म्यूट पे चले गए थे हम? मुझे फोन कॉल आए थे, फोन आया था, बात कर रहा थी। समझ गए हम। तो मोबाइल फोन यदि हम बोलते हैं तो वो है, उसी को चल दूरवाणी भी मैंने हमने देखा है, चल दूरवाणी, पर वो दूरवाणी तो सभी में है, बाकी थोड़ा सा एक विशेषण उसमें हम लगा देते हैं। स्मार्ट के लिए जंगम दूरवाणी, स्थिर दूरवाणी भी है, यदि लैंडलाइन फोन अलग से लैंडलाइन ही बोलना है तब फिर स्थिर दूरवाणी बोल सकते हैं।
लैंडलाइन या लैंड फोन स्थिर दूरवाणी और उसी प्रकार ईयरफोन श्रवण यंत्र माइक्रोफोन वाणी यंत्र महोदय सह बालकः गायति वा गानम् बालकः गायति अथवा वदति गायति अथवा वदति भाषणं करोति उत्तमम् स्थिर दूरवाणी उत्तमम् चलिए एतानि स्त्रीलिंग पदाः अभिलाष महोदय रमाः पुनः वदतु अभिलाष महोदय रमाः महामहोदय शुभाः अभिलाष महोदय परन्तु सही था मुझे नहीं लगा मेरा सही था शुभाः हाँ ठीक है शुभाः वो धीरे धीरे अभ्यास से हमको खुद ही संतुष्टि होने लगती है पर वो आपको ध्यान में है कि वो ह को हमको ज्यादा लंबा नहीं बोलना उतना बहुत है चलिए अभिलाष महोदय रंभा रंभा महोदय लक्ष्मी लक्ष्म्य अभिलाष महोदय लक्ष्मी का लक्ष्मी का अहम् स्मरणं न नास्ति महोदय विस्मरतु परंतु लक्ष्मी बालिका अथवा लक्ष्मी देवी देवता लक्ष्मी देवी अस्ति लक्ष्मी विष्णु पत्नी अस्ति अच्छा
ऑप्शन बहुत सारे हैं, कोई भी बोल सकते हैं आपको, जो लक्ष्मी के बारे में जो भी पता है, आपने जैसे बोला कि बालिका तो वो भी चलेगा, लक्ष्मी बालिका। तो मैं वैसे शब्द में पूछता हूँ जो थोड़े नोन शब्द है, मतलब जैसे रंभा या रमा उतने प्रचलित नहीं है किसी अलग से किसी कैरेक्टर नाम के लिए। वैसे रंभा तो है, रंभा का मुहा महोदय। अप्सरा अप्सरा, उत्तम। पार्वती। पार्वती अभिलाष महोदय। मैं अभी सरस्वती। सर्व सरस्वत्यः सरस्वत्यः। हाँ, तो यहाँ पे भी वही वाला नियम चल रहा है, पार्वती सरस्वती लक्ष्मी, जो ई का अंत है उसमें आखिरी अक्षर को हम यह कर देते हैं और वो जो अक्षर है उसका आधा कर देते हैं। तो मी का म्यह हो गया, ती का त्यह हो गया, यहाँ पे भी सरस्वती में भी त्यह हो गया। फिर महामोदया महोदय शायद कहीं गई है, अभिलाष महोदय। अभी अच्छा आ गई, ठीक है। ये आखिरी पंक्ति। लेखनी लेखन्य तो अभी वो वाला नियम दिख रहा है आपको, ई का न्यह हम करते जा रहे हैं यहाँ पे भी। अभिलाष महोदय। माधुरी माधुर्य अन्नपूर्णा महोदया। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा तो आप विसर्ग छोटा करने के ओके चक्कर में आपने पूर्ण की मात्रा भी अच्छा छोटी हाँ कर न न भी दी। छोटा हो गया अन्नपूर्णा हाँ, तो अन्नपूर्णा। अभिलाष महोदय। नदी नद्यः नद्यः महामोदया। मालिनी मालिन्यः मालिन्यः उत्तमम्। अभिलाष महोदय। अंजना अंजनाः महामोदया। अंजना का। अंजना हनुमन हनुमान अनुमंतस्य। वही कंफर्म करिए हाँ अंजना हनुमंतस्य माता अस्ति अनुमंतस्य क्यों बोल रही हैं आप, वहां पे विसर्ग नहीं कहाँ है? हनुमंत प्रैक्टिस करते समय ये भी आ गया सर। सॉरी यस हाँ। आई सेड हनुमंतस्य हनुमंतस्य माता अस्ति उत्तम। हनुमंतस्य पिता कह। अभिलाष महोदय। महोदय अहम ना जाने पवन पुत्र हम ये रहा हनुमान। अरे मैंने पवन देव, वायुदेव। केसरी अगर अंजना मतलब अंजना के पति है तो केसरी या फिर केसरी नंदन भी कहा जाता है इस कारण से हाँ अच्छा, मैंने ये रामायण या भगवत गीता कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए मुझे मैं नहीं जानता हूँ अच्छा ठीक है। तो अब आपको पढ़ने में रुचि आ रही है, अब आप पढ़ना चाहेंगे? ऐसा सोचा है कि पढ़ना है या अभी तक कभी सोचा ही नहीं था? हाँ सोचा तो है सर तो अगर पढ़ना की कोशिश करूँ तो संस्कृत में ही पढ़ना हाँ इफ आई वांट टू रीड देम आई हैव डिसाइडेड टू रीड देम इन संस्कृत ओनली सर हाँ बट उसमें ना अभिलाष जी मेरा पर्सनली ये मानना है कि फिर एक प्रोसेस हो जाता है कि बिकॉज
मुझे नहीं आती है संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो हम लोग ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं, अटक जाते हैं। ये मेरा मानना है, एक प्रोसेस में अटक जाते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं करूंगा। इसका मैं एक उपाय बताता हूँ, इसका एक उपाय है, संस्कृत भारती में महाभारत और रामायण के बहुत सरल, जैसे अभी हम ये जो कक्षा में पढ़ते हैं ये सारे अधिकतर सब सरल शब्द हैं, मतलब जिनके नाम शब्द देख के हमको समझ में आ जाता है कि वो क्या है क्यों है। अभी यदि अभी के अभी हम वेद मंत्र पढ़ रहे होते या भरत्र हरि नीति शतकम से कोई मंत्र श्लोक पढ़ रहे होते तो वो हमको शायद तुरंत नहीं समझ में आता, क्योंकि उसमें थोड़ी जटिल संस्कृत होती है, थोड़ी एडवांस्ड संस्कृत होती है। तो संस्कृत भारती की महाभारत और रामायण के जो वर्जन्स हैं वो आप ले लीजिए, बहुत मतलब उसका मूल्य भी बहुत कम है, मुश्किल से शायद 40 रुपए या 50 रुपए ऐसे कुछ होगा, और उसमें रामायण महाभारत का एक अच्छा उपयोगी वर्जन आपको मिल जाएगा, उससे पूरी कथा समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप दूसरे वर्जन्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने रामायण 4 अलग अलग वर्जन्स में पढ़ी हुई है, और संस्कृत वाले पे अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ। संस्कृत वाले पे मतलब जो शुद्ध वाल्मीकि रामायण है उस वो खरीद के रख ली है, पर अभी उसको पढ़ना चालू नहीं कर पाया हूँ, वो भी पढ़ूंगा। लेकिन दूसरे और वर्जन है, जैसे आपके आपको तेलुगु पढ़ना आता है यदि, तो तेलुगु में भी रामायण के वर्जन्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भाषा पहले मातृभाषा यदि तेलुगु है तो उसमें पढ़ के देखिए, उससे उसका जो कथा का सार है ना वो समझ में आ जाता है। फिर आप बाद में संस्कृत वाले या दूसरे और भी कोई वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले वो पढ़ना जो आपके लिए आसान है, सरल है। जैसे एक और एक राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जिनको कहते हैं, वो भारत के पहले गवर्नर भी थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब। तो राजगोपालाचारी जी छोटे बच्चों के लिए हमारे सारे ये पुस्तकें लिखते थे, तो उन्होंने महाभारत रामायण शायद उपनिषद या गीता भी लिखी है, तो ये सब उन्होंने बच्चों के हिसाब से लिखा। तो उनका जो रामायण और महाभारत का वर्जन है वो भी पढ़ने में आसान सरल है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के हिसाब से लिखा था वो, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन अच्छा है समझने के लिए, अच्छा है वो भी। तो आप समझ गए अभिलाष जी? हाँ सर। तो एक है राजगोपालाचारी जी, इनकी रामायण महाभारत या फिर संस्कृत भारती वाला जो वर्जन है रामायण महाभारत का वो भी आप देख सकते हैं, और ये इसी सीक्वेंस में पढ़िए, इसी क्रम में पढ़िए, पहले रामायण फिर महाभारत। रामायण आपको शांति देता है, और सिर्फ शांति नहीं, उसमें काफी सारी चीजें, रामायण हमको मित्रता, परिवार, बोलचाल, संबंध, प्रेम, ये सब सिखाता है। तो यदि हम रामायण सीख पढ़ रहे हैं तो ये सब जो गुण हैं हमारे अंदर अपने आप अंकुरित होते हैं, अपने आप होते हैं, आपको उसके अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है वो। वैसे ही महाभारत जो है कुछ दूसरी चीजें सिखाता है, वो थोड़ा राजनीति, अर्थशास्त्र, उसमें भी मित्रता थोड़ी बहुत है, पर उसमें थोड़े एक्सटर्नल चीजें ज्यादा हैं महाभारत में, जो आपको घर के बाहर ज्यादा काम में आएंगी। तो उसी सीक्वेंस में पढ़ें तो वो अच्छा है। संस्कृत भारती और राजगोपालाचारी जी की रामायण और महाभारत, रामायण
महाभारत महोदय इनका सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होता है क्या? राजगोपालाचारी जी वाला जो है उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, वो पब्लिक डोमेन में है, ये वाले का है। संस्कृत भारती की वैसे भी चीजें बहुत कम मूल्य की होती हैं, 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, बहुत ही कम होती हैं, तो वो वैसे भी बहुत अफोर्डेबल है और बहुत सुंदर कलरफुल बहुत अच्छे से बनाते हैं ये लोग पुस्तकें। तो और जो भी संस्कृत में निकाल रहा है कुछ अच्छा साहित्य तो हमको वैसे भी लेना चाहिए क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट होता है उससे। आप यदि आप नहीं ले रहे तो किसी और को खरीदवा लीजिए, कोई और ले सकता है, पर हाँ इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको ऊपर वाले की। चलिए मोहा महोदय गौरी गौरी अभिलाष महोदय पेटिका पेटिका तमाम। अभी शायद ये कटने वाला है कॉल तो भी हम चालू रखते हैं। मोहा महोदय तत् किम पुस्तकम अभिलाष महोदय तानि पुस्तकानि उत्तमम। तो एतानि सर्वे नपुंसक लिंग पदाः सह कह स्त्रीलिंग पुरुष क्या मोहन मध्य जो तानि होता है ये नपुंसक के लिंग नपुंसक लिंग के लिए एवं सह और कह जो हम उपयोग करते हैं वो होता है। अभिलाष महोदय महोदय नमो नम नमो नमः। मम जवनिका पश्यसि वा? आम् अहं पश्यतुं पश्यतुं शक्नामि। तमाम् पश्यतुं शक्नोमि अथवा पश्यामि। हाँ पश्यामि, उसको सिंपल सरल बोल रहे हैं तो पश्यामि भी काफी है। तो संस्कृत में बात कर रहा हूँ ऐसे फील अगर आना है तो नहीं अच्छा है, आपने जो बोला वो भी अच्छा है, वो तो और अच्छा है। पश्यतुम शक्नोमी मतलब देखने को सकता हूँ या देख सकता हूँ, वैसे बोल रहे हैं। नमो नमः महोदया। नमो नमः आचार्य महोदय। हाँ तो आप अभी अभी जो महोदय हाँ अभी तो अभी जो हम बोल रहे हैं नमो नमः तो वहाँ क्यों हा को आदा नहीं कर रहे हैं? नमः वहाँ तो आ की मात्रा है ही नहीं ना, वहाँ तो वैसे भी छोटा ही है। तो अभी हम अभी नमो नमः नहीं बोलते, नमो नमः ऐसे नहीं बोलते। तो जैसे आप नमो नमः हाँ नमो नमः हाँ तो मुझे लगा आ की मात्रा आ रहे नमो नमः। अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू करें। ठीक है अभी मोहा महोदया एक प्रश्न पूछ रही थी जब कॉल कट हुई उसके पहले। जो नपुंसक लिंग होता है उसके लिए तत् होता है और एक वचन में तानी, मतलब एक वचन बहुवचन एवं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है उसमें सह कह सा का प्रयोग होता है। ते तानी
नपुंसक लिंग जी सह सा तौ और स्त्रीलिंग में ते और पुल्लिंग का ते जो है बहुवचन है और उसी को स्त्रीलिंग में ताह बन जाता है। तो ये नपुंसक लिंग है नीचे वाली लाइन और ये पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अभी हमने अभ्यास कर लिया है पीछे के पृष्ठों पे, जैसे सारंभा ताह माला ताह कुंचिका ये स्त्रीलिंग थे, फिर ये वाले जो थे पुल्लिंग थे, सह गजह ते गजाह। तो अभी अगर हमें कहना है एक्चुअली कहना है कि वो फीमेल एलिफेंट है तो क्या कहेंगे, या मतलब मैट्रियार्की होता है ना एक्चुअली एलिफेंट के झुंड में, तो कि ये तब गजा करना पड़ेगा, गजह या गजा। गजा गजाहा तो उसका जो बहुवचन है वो तो दोनों में एक ही है ना, लिंग और स्त्रीलिंग का बहुवचन जो है एक जैसा दिखता है, जैसे बालकाह और बालिकाह, तो वो मूल शब्द भले ही एक वचन में अलग है पर उसका बहुवचन जो है बालकाह बालिकाह दोनों एक जैसे हैं, अंत दोनों का एक जैसा है। तो वैसे ही गजाह जो है वो पुल्लिंग के लिए भी वही है और स्त्रीलिंग के लिए भी वही है। ओके। तो आप ते गजाह भी बोल सकती हैं, ताह गजाह भी बोल सकती हैं। तो जो शुरू में जो लगाया उससे पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग की बात हो रही है कि स्त्रीलिंग की। अच्छा। पर तानी गजानी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। तो अब इन्हीं शब्दों में आप वो उसके सर्वनाम लगाइए। तो मैं पहले अभिलाष महोदय से बोलता हूँ। अभिलाष महोदय सह सह अश्व उत्तम। महामहोदय अब अश्व के लिए फीमेल अश्व में भी अश्व ही होता है, वो मुझे एक बार पक्का करना पड़ेगा शब्दकोश से। आपके शब्दकोश आ गए क्या मोहा महोदय? है बट अभी यहाँ नहीं है मेरे पास, इस घर में वहां पे है। एक मिनट मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो अश्व तो पुल्लिंग है वो तो पक्का है, घोड़ी के लिए कोई अलग से शब्द है तो ठीक है, अब इस शब्दकोश में तो नहीं है, शब्द ही नहीं है। तो अब पर ये आपको पता है या ये आपने अभी अनुमान से किया? क्या ताह अश्वाह, क्योंकि ताह मतलब घोड़ियां और ते अश्वाह मतलब घोड़े, तो दोनों उपयोग हो सकता है। पर मैं सिर्फ ये पक्का करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अश्व में भी गज की तरह ही उसका जो स्त्रीलिंग है वो भी अश्व
या अश्वा इस तरह से उपयोग हो सकता है। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर शंका है। कि हर प्राणी का जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वर्जन है वो बिल्कुल आसानी से इसी तरह गज गजा अश्व अश्वा इस तरह से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबका अजह तो होता है, अजह अजा, तो अजा बकरी है, अजह बकरा है। आपको भी कहीं मिलेगा तो मुझे बता सकते हैं। तो प्राणी मतलब जो पशु पक्षी हैं इनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग यदि अलग अलग शब्द हैं इनके कुछ, तो ढूंढेंगे हम, मैं भी ढूंढ के देखूंगा। चलिए अभिलाष महोदय सहकह। अभिलाष महोदय महामहोदय छात्र अभिलाष महोदय सह वृक्ष महामहोदय नपुंसक लिंग में क्या होता है? पर वृक्ष है नपुंसक लिंग नहीं है ना? क्यों? वृक्ष है वो तो देख के ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। अच्छा वृक्षः। हाँ अब ये पूरा पृष्ठ ही हमारा पुल्लिंग वाला है तो ये तो पता चल जाएगा, पर वैसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि वृक्ष जो है, क्योंकि वृक्ष है उसी से पता चल जाता है, यही उसकी प्रथमा है ना, तो प्रथमा जो है वही उसका एक वचन मूल रूप पुल्लिंग में है। अभिलाष महोदय तौ वृक्षौ। उत्तम। अब ये भी एक चीज है कि द्विवचन वाले शब्द उपयोग कम होते हैं पर कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते पर कम होते हैं, तो इसीलिए वो ध्यान में रहना बहुत आवश्यक नहीं है। पर एक जैसे सहतौते इतना ध्यान में है तो उससे हम पुल्लिंग वाले जितने शब्द हैं उनका बना सकते हैं, वृक्ष है वृक्ष वृक्ष। वैसे ही सातेताह स्त्रीलिंग में हमको उतना ध्यान है, तो द्विवचन यदि है स्त्रीलिंग का कि दो दो बालिकाएं या दो दूसरी भी कोई भी सीलिंग वाली चीज है तो हम ते बालिका ते बाली तब क्या बोलेंगे बताइए? जैसे साते ताह है वैसी बालिका का क्या होगा? ते बालिका बाल ते बालिके। सा ते ताह बालिका
बालिके और बालिकाः। उत्तमम् महोदय। अभिलाष महोदय। ते नायकाः। महामहोदय। ते गजाः। ते गजाः अथवा ताः गजाः, यदि उसका स्त्रीलिंग वाला उपयोग भी करना है। चलिए अभिलाष महोदय। सः गजः अथवा सा गजा। उत्तम महामहोदय। दीपक को सह बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर फिर भी अभ्यास हो जाएगा। अभिलाष महोदय। दीप को कैसे हम लोग पुल्लिंग में लेंगे? वो हिंदी में नहीं लेते पर संस्कृत में लेते हैं, जैसे वृक्ष भी तो सह है ना, सह वृक्ष। Exactly, मैं वही सोच रही हूँ ना, तब से मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब पेड़ है या दिया है, तो वो तो मतलब नपुंसक लिंग की परिभाषा में आना चाहिए। तो इवन हॉर्स, अश्व, यदि आप हिंदी इंग्लिश में सोचते नहीं, इवन हिंदी में तो कम से कम घोड़ा है और घोड़ी है, ऐसे होता है अलग अलग, पर क्योंकि हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं ना कि शब्द भी भेद हो जाता है हिंदी में। वृक्ष हाँ। होगा तो हम लोग कहेंगे कि वृक्ष लगा हुआ है, पर हाँ। अगर हम लोग कहते हैं कि झाड़ी लगी हुई है तो शब्द भी अलग ही है। अगर अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो झाड़ी लगी हुई है या लता है। हाँ वो अलग है, तो लता के लिए तो शब्द ये ही अलग है ना। हिंदी के कारण वो डाउट है मन में। हाँ वही, हमने जो भाषा पहले सीखी है हमको उसका कारण संस्कृत में वो थोड़ी शंका हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि दीप तो दीप। हाँ। तो जब शब्दकोश आएगा आपके पास भी, तो जब हम ऐसे बीच बीच में शब्द उसमें ढूंढते हैं तो उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग वो भी पता चलता रहता है कि अच्छा इसका ऐसा होता है। चलिए महामहोदय। सह दीपः। उत्तमम्। चलो अभी ये तो हमने कर लिया था, अभी समय कितना है? अभी तो है लगभग 15 निमिष तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस प्रश्न पे, अब हम बाकी जो है संभाषण प्रयत्न कुर्मः। मैं अभी आऊं 1 मिनट में। हाँ महोदय वदतु किमर्थं किमपि संस्कृतेन। जलं पिबामि। अत्र पुणे नगरे वर्षाकालं आरम्भ भवति, तत्र कथम् अस्ति?
अत्रापि वर्षाकालम् आरम्भ होने वाला क्या क्या भविष्यति आरम्भ भविष्यति तो भवति परन्तु किञ्चित् एव वर्षम् आगतवान् किञ्चित् वर्षम् आगच्छति आगच्छति अच्छा ओ अस्तु अस्तु भवत् भवान् हैदराबाद नगरे अस्ति वा न न बेङ्गलूरु नगरे बेङ्गलूरु अपि न पुराणे इत्युक्ते गत दशवर्षाणि पुराणे इति आन्ध्रप्रदेश राष्ट्र अस्ति आसीत् आन्ध्रप्रदेशे तेलंगाना और आंध्र दोनों मिलकर एक साथ देते सर दोनों को आंध्र प्रदेश कहते हैं तो कुछ साल के पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभागम अभवत तो अस्तु अहम आंध्र में आंध्र आंध्र राष्ट्रे अस्मि तेलंगाना विभागम अभवत तो तेलंगाना राज्य किम नगरम हैदराबाद नगरम अस्ति हैदराबाद नगरे हैदराबाद उत्तम अधुना आंध्र प्रदेशस्य एम कैपिटल अपि न अभवत हाँ हैदराबाद तेलंगाना प्रदेशे प्रदेशस्य राजधानी अस्ति आंध्र प्रदेश से राजधानी विजयवाड़ा विजयवाड़ा नास्ति अमरावती अमरावती इति अमरावती इति गत प्रभुत्वम निर्णयम अकुर्वन् परंतु अधुना प्रभुत्वम एतत् न मतलब अभी ये जो प्रभुत्व है वो तो अमरावती को कैपिटल नहीं कह रहे सर अभी क्या कह रहे हैं वो लोग अधुना प्रभुत्वम जो अस्ति सह वदति त्रीनि कैपिटल क्या बोलते सर राजधानी राजधानी हाँ त्रीनि राजधानी निर्णयम कुर्मः इति ते वदन्ति मतलब प्रभुत्वं वदति अधुना प्रभुत्वं वेस्ट अस्ति भवान् महोदय भवान् जानसि वा अधुना प्रभुत्वः नायकः श्रीनिवास जगन जगन रेड्डी जगन मोहन रेड्डी एक्सपीरियंस को संस्कृत में क्या बोलते सर अनुभव अनुभव स्वागतम महामहोदय हमने इतनी सारी संस्कृत में बातें की इतनी बातें की अस्तु अत्र पुणे नगरे वर्षा कालम आरंभ भवति महामहोदय तत्र कथम अस्ति भवत्याः नगरे मम नगरे वर्षाकालं काफी कम अभी कम है शुरू नहीं किंचित किंचित वर्षाकालम अस्ति किंचित मतलब कुछ कह सकते हैं कम ही बोलना है तो फिर तो अधिक और
लघु भी कह सकते हैं, तो मतलब पीरियड हो जाएगा ना कि पर वर्षा का कम लघु से बेहतर अच्छा शब्द होना है। चाहिए, न्यूनः, हाँ। अधिकः न्यूनः, तो अधिक और न्यून विपरीतार्थक। वर्षा कालम न्यूना अस्ति, और एज ऑफ नाउ कहना है तो मतलब अधुना, अभी के लिए। अधुना, हाँ अधुना, इदानीम, इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। अधुना। अधुना तो ये हम लिखते हैं अधुना ना, एक मिनट मैं दूसरे पृष्ठ पे लिख देता हूँ। हम तो बहुत उपयोग करते हैं ना इसको, इदानीम तानिम ठीक है। मतलब अभी, और दूसरा अधूना वो भी अभी है, अभी या अब। अधूना नहीं सुने। हाँ ये दोनों समानार्थी हैं, दोनों उपयोग कर सकते हैं। इदानीम का अर्थ ये होता है अभी, तो अधुना का अर्थ इन दीज डेज आई थिंक, दोनों दोनों चलेगा। दीज डेज जो चलेगा है सर। वो एक्चुअली स्लैंग है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आजकल, तो आजकल आजकल असल में कोई शब्द नहीं है, मतलब हाँ संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, तो संस्कृत के लिए आप जो इदानीम या अधुना उपयोग कर सकते हैं अभी के लिए, या फिर अद्य, यदि आज ऐसे अलग से बोलना है आज, तो फिर अद्य बोल लीजिए, टुडे। अच्छा हाँ। अद्य सूर्य दीप्तिमान अस्ति। पीतवर्णः किम अथवा पुनः वदतु आपने महामहोदय, महामहोदय पुनः अद्य वदतु। अद्य सूर्य दीप्तिमान अस्ति। नहीं अस्ति कैसे कहेंगे, वो तो प्रेजेंट है। मतलब था अद्य सूर्य दीप्तिमान, मतलब आज आज दिन भर धूप निकली हुई थी। अस्ति चलेगा, क्योंकि अभी भी तो वही दिन चल रहा है, बट अंधेरा हो गया ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कह अच्छा सकते तो हैं। भूतकाल के लिए हम स्म लगाते थे, वो भी चल सकता है, स्म। लेकिन अद्य तो रहेगा ना। हाँ अभवत भी बोल सकते हैं, यदि आपको बिल्कुल पक्का है कि वो पहले हो चुका है और आप शुद्ध भूत मतलब बिल्कुल भूतकाल वाला ही उपयोग करना चाहते हैं, तो फिर अभवत भी कह सकते हैं, दीप्तिमान अभवत, तो हो चुका है, हो गया। अद्य मेघाः न सन्ति, वाह, ना 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 सन्ति अत्र अपि, मेघाः तु सन्ति, परन्तु सफेद को सफेद मेघा मेघाः एव सन्ति। श्वेतवर्ण, श्वेतवर्ण मेघाः, श्वेतवर्ण तो वर्ष सूचितं मेघाः अपि न सन्ति अत्र। अस्तु अस्तु। युवाम, युवाम हैदराबाद नगरे स्थः, ना ना आप दोनों, यु त्वम युवाम यूयम,
तो युवाम मींस आप दोनों, तो आप दोनों ही दोनों हैदराबाद नगर में हो। आवाम हैदराबाद नगरात ना नमस्ते ना निवसत निवसतः न अस्मि या अस्मि, यदि अभी नहीं है आप तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर न निवसामि या न वसामि। वसामि ज्यादा आसान है। आमाम तर्हि कुत्र असि त्वम्? अहम तो आंध्र प्रदेश राष्ट्रे नेल्लूर नगरात नेल्लूर नगरे नेल्लूर नेल्लूर नगर नेल्लूर नगर। उत्तमम उत्तमम, अस्तु अस्तु। राष्ट्रे मत बनाइए अभिलाष जी, राज्य राज्य बनाइए राज्य। तेलुगु तेलुगु में तो स्टेट को राष्ट्र कहते, इसलिए मैंने कहा। अच्छा। मतलब राष्ट्र का अर्थ ये नेशन होता है। या दोनों का और भी आसान है, प्रदेश है। तो संस्कृत में यदि आप बोल रहे हैं तो प्रदेश बोल लेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि तेलुगु में मैं समझ गया, पर और ऐसा मैंने और भी भाषाओं में देखा है। इवन मारवाड़ी में जो राजस्थान में बोली जाती है, वहां पे भी वहाँ देश बोलते हैं, उनके राज्य को वो लोग देश बोलते हैं। हाँ, देश बोलते हैं। तो गुजरात में भी होता है ये, आचार्य महोदय, गुजराती में भी होता है। हाँ, तो वो भाषा का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन संस्कृत में हमको ध्यान रखना है कि वो असल असली अर्थ क्या है। महोदय, हिंदी में ये दोनों का अंतर क्या होता है, राष्ट्र और राज्य? दोनों एक ही है, समानार्थी है। समानार्थी राष्ट्र और राज्य? नहीं, तो राष्ट्र तो हिंदी में भी देश है ना, राष्ट्र या देश। हाँ, तो स्टेट को कहते समय हम राज्य कहना है क्या? हाँ, राज्य अथवा प्रदेश है। देश बोलना है तो राष्ट्र अथवा देश है। अरे ये कलर क्या हो रहा है? सो भवतः गृहे कह कह अस्ति अभिलाष महोदय? मम गृहे मम माता पितृः अहम् संति संति नहीं कह सकते, क्या बोलते सर उसको, रहते हैं? वसंती। वसंती। अच्छा, लेकिन और आप खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वसामह कह सकते हैं, हम सब रहते हैं। वसामह, जैसे हम लिखामह वदामह कहते हैं, वैसे वसामह। तो अस्ति संति ऐसे कहना है तो मतलब वो तो थर्ड पर्सन के लिए। तो यदि आप बोल जैसे मोहाजी बोलती, या मैं मोहाजी को बता रहा हूँ कि अभिलाषस्य गृहे तस्य माता पिता एवं सह वसंती वसंती, तब मैं बोलूंगा, क्योंकि तब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, तब मैं प्रथम पुरुष की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम यदि खुद का ही अपना ही बता रहे हैं तब वसामह बोलेंगे। वसामह, क्योंकि हम खुद का ही बता रहे हैं ना, हम रहते हैं ऐसा बोल रहे हैं। चलिए प्रश्न पृच्छतु मुहा महोदय, अभिलाष महोदय प्रश्न पृच्छतु मुहा महोदय से पूछिए। महोदय
महोदय भवती कति वर्षाणि संस्कृतं पठति? एकवर्षे. महोदय भवान् संस्कृतं कुत्र अपठन्? कुत्र किं कुत्र मतलब किस कॉलेज में आई से? मैं कहां अंशु सर को कहां पढ़ा था संस्कृत, आप ऐसे पूछ रहे हैं? हाँ, मम विद्यालये अहं संस्कृतं पठति स्म. तत्पश्चात् संस्कृतं मम जीवने स्वल्पं स्वल्पम् अस्ति. विस्मृतः न करोमि स्म. तो संस्कृत श्लोकाः, संस्कृत मंत्राणि, संस्कृत पद्य गद्य महाकाव्य ग्रंथ केचन प्रकारेण संस्कृत मम जीवने सर्वदा अस्ति. आगतवान् शनैः तस्य जीवने आगच्छन् सर्वदा ऑलवेज शनैः शनैः मम हृदये आगच्छ. आपने भेजा था ना वो? हाँ सर. शनैः शनैः मम जीवने संस्कृतम् आगच्छति. परन्तु कठिनं नास्ति, अभ्यासं कुर्मः. कठिनं न न भवति, परन्तु कुशलं भवति प्रतिसमये. किं भवति? संस्कृतपठनं कठिनं न भवति, परन्तु कुशलं भवति. कुशलम्? कुशलं मतलब वी फील वेरी एक्साइटेड व्हाइल लर्निंग संस्कृत. अस्तु अस्तु. ओके केन सर. रुचिकरः. When you want to say कि interesting है, मजा आ रहा है, तो रुचिकर है. आपको ऐसे कहना है अभिलाष महोदय कि मतलब कौशल्य चाहिए. You want the mastery over the subject? Are you trying to say something like? ना महोदय ना. यदि हम interesting. अगर मैं सोचता हूँ मास्टर करना, तो मेरा पूरा effort उसपे रखना, मतलब एक स्टडी के जैसे जाना है. तो मेरा स्टडीज जो है ना बीटेक, वो खराब होता हो सकता है. इसीलिए तो मैं तो एक साइड से पढ़ना तो चाहता हूँ, संस्कृत सीखना तो चाहता हूँ. आपने मेरा बात समझ ली? उत्तमम उत्तमम. हाँ अच्छा है, वो संस्कृत में रुचि है, वही अच्छी बात है. वो आवश्यक भी है, होना ही चाहिए, सबको सीखना चाहिए. तो आपने प्रश्न पूछा, मैं बोल रहा था कि आपने प्रश्न कहाँ पूछा अभी मोहा महोदय से? जैसे मैंने पूछा था कि भवान भवतः गृहे कह कह अस्ति, तो आपने आगे प्रश्न पूछा है? पूछा नहीं. हो गया क्या? क्या पूछ रहे हैं? मैं भी भूल गई, बट ये आस्क मी समथिंग. किम अपृच्छत् अभिलाष महोदय? भवतः प्रश्नः किम्? अहं पृच्छामि अद्य नवीन महोदय किमर्थं
नहीं, आपने मुझसे क्या प्रश्न पूछा था? अच्छा, महादेव, मैंने आपको पूछा था कि आप कितने साल से संस्कृत पढ़ रहे हैं। अस्तु अस्तु, उत्तमम्। अंशु महोदय अस्तु। अहम् एवं स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम अवसर प्रदान करोमि आचार्य महोदय। तो अब तो आप हमको स्वर्णिम अवसर दे रही हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आचार्य महोदय मम नहीं, हाँ, मम स्वर्णिम अवसर ददाति, ददाति तो दे रहे हैं या दे रहा है। उत्तमम उत्तमम। तो इदानीं द्विनिमिषे अस्ति, कक्षा समाप्तं करोमि, पुनर्मिलामः, शुभरात्रि। पुनर्मिलामः, शुभरात्रि आचार्य। सर्वेषां नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि महोदय। पुनर्मिलामः आचार्य। पुनर्मिलामः सर्वेषां।